वो आपको सबसे पहले आचार प्रशांत ऐप इंस्टॉल करनी होगी। अगर आपने आचार प्रशांत ऐप इंस्टॉल कर रखा है तो अच्छी बात है, और नहीं तो आपको गूगल प्ले स्टोर पे जाना है और यहाँ पे आचार प्रशांत सर्च करना है और ये वाली जो ऐप है उसको ओपन करना है, इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद जो है वो इसमें आपको फिर से अपना अकाउंट बनाना होगा। मैंने अपना अकाउंट बनाया हुआ है इसीलिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप अपने अपना अकाउंट नहीं बनाया हुआ है तो आपको अपना ईमेल एड्रेस से लॉगिन करना होगा। ओके, और ईमेल एड्रेस से लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पे ऑल ई बुक्स में जाना है। ऑल ई बुक्स में आप जैसे जाओगे तो फिर जो है वो आपको यहाँ पे ऑप्शन आएगी, यहाँ पे आपको बुक को सर्च करना है, किस बुक को आप खरीदना चाहते हो। तो यहाँ पे जैसे नीचे में मैं जा रहा हूँ, खोज रहा हूँ कि हाँ, तो ये देखो जैसे यहाँ पे राम निरंजन न्यारा रे जो बुक है उसे मैं यहाँ पे टैप करता हूँ। अब इस पे जैसे ही मैं टैप करता हूँ तो मेरे पास दो ऑप्शन हैं, यहाँ पढ़े और ई बुक कार्ट में जोड़े। तो यहाँ जो है वो मैं यहाँ पढ़े पे टैप करता हूँ, और यहाँ पढ़े पे जैसे ही मैं टैप करता हूँ तो डोनेशन अमाउंट पूछी जाती है, मिनिमम 21 रुपीज़ आप दो, उससे कम नहीं दे सकते क्योंकि यहाँ पे लिखा गया हुआ है, जो ऊपर में आप देखोगे तो यहाँ लिखा गया हुआ है कि सजेस्टेड डोनेशन 21, तो 21 से आप कम नहीं दे सकते। ओके, तो लेटर सपोज़ मैं थोड़ा सा ज़्यादा 30 रुपये कर दे रहा हूँ। ओके, और उसके बाद जो है वो डोनेट पे टैप करता हूँ। जैसे ही मैं डोनेट पे टैप करता हूँ उसके बाद जो है वो क्या आएगा कि पेज आएगा, ओपन होगा, और उसके बाद आपको पेमेंट कर देनी है। तो देखो मैं पेमेंट कर दे रहा हूँ। ओके, मैं फ़ोनपे से अपने पेमेंट कर दे रहा हूँ। अब देखो जैसे UPI का ऑप्शन है, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं, आप उसे ऑनलाइन पेमेंट कर देना और ये आपका सक्सेसफुल हो जाएगा। तो थोड़ा पेमेंट होने में मेरा समय लग रहा है। पेमेंट हो चुकी है मेरी। अब यहाँ पे देखो जो पेमेंट है वो हो चुकी है, उसके बाद आपको बस कुछ नहीं करना है, आपको वेट करना है, थोड़ा सा समय लगता है। पेमेंट सक्सेसफुल हुआ, अब इसके बाद जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो आपका ई बुक अवेलेबल हो जाएगा पढ़ने के लिए। ओके, तो देखो यहाँ पे जो है वो जैसे आ गया, अब ये सभी आ गया। अब इसके बाद जो है वो नीचे में आप स्क्रॉल करोगे और यहाँ पे लिखा हुआ है गो टू माई ई बुक, गो टू माई ई बुक पे आप जैसे ही टैप करोगे तो देखो मैंने ये सब ई बुक ले रखे हैं, तो यहाँ पे राम निरंजन न्यारा रे जो है वो आ रहा है। तो राम निरंजन न्यारा रे पे मैं जैसे ही टैप करता हूँ तो देखो जो भी इसमें चैप्टर्स हैं, ओके, ये 7 चैप्टर्स हैं, तो 7 चैप्टर्स जो है वो ये इसमें आपके लिए आ गई। ओके, सो ऐसे ही जो है वो आप बुक्स को पढ़ सकते हो। और ऐप में जो है वो बहुत अच्छी चीज़ है कि देखो यहाँ पे जो है वो आप जैसे ही साइज को जो है वो बढ़ा घटा सकते हो। यहाँ पे ऊपर में जो ए है इस पर आप टैप करोगे तो यहाँ पे जो है वो साइज को आप बढ़ा घटा सकते हो। देखो जैसे नीचे जो है वो आपको 14, 15, 16 ऐसे साइज बढ़ा घटा सकते हो। और जो थीम है वो भी आप जो है वो ब्लैक या फिर ऑरेंज हल्का येलो पे या फिर वाइट आप जो चाहे रख सकते हो। ओके, या फिर यूजर सिस्टम थीम जो आपके फ़ोन का जो थीम रहेगा उसे भी आप रख सकते हो। ओके, और चैप्टर काफ़ी आप जो है वो हैंडी रहता है पढ़ने में, आप इसे जो है वो रोटेट करके भी पढ़ सकते हो अपने फ़ोन को। अब यहाँ से जो है वो आप चैप्टर चेंज करने के लिए आपको ये वाले पे टैप करना है, और इसके बाद जो है वो आप दूसरे चैप्टर पे, जैसे जैसे मैं जाता हूँ यहाँ पे तो देखो ओम शांत से अनंत की यात्रा। ओके, तो ऐसे जो है वो आप पढ़ सकते हो, जो भी चैप्टर चाहे उसे पढ़ सकते हो। सो आई होप कि आपको जो सारी जानकारी थी वो मैंने आपको दे दी है।